हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, इस रिएक्शन में पहली बात तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये रिएक्शन आपका नीट 2020 में पूछा गया रिएक्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास है एसीटोन स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट, और एसीटोन का जो रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और बाद में क्या कराया जा रहा है इसका, हाइड्रोलिसिस। तो अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस रिएजेंट के बारे में। ये हमारा जो रिएजेंट होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहाँ पे जो हमारा टैकिंग रिएजेंट होता है कार्बेन आयन होता है, और इस कार्बेन आयन एल्काइल कार्बेन आयन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और ये बेस की तरह भी काम करता है। जब कहीं पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन कहीं से अगर आप इसको ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर दें जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन हो, तो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेस की तरह काम करता है। अब आते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन अपने को गिवन है उसकी बात करते हैं। तो अपने को गिवन है CH3 C डबल बॉन्डो CH3 प्लस ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो अपना कार्बोनिल कार्बन है, इसका जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर क्रिएट हो गया डेल प्लस चार्ज। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वन की अटैक करेगा, ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वन की अटैक करेगा। इसने अटैक किया इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और ये पाई बॉन्ड पूरी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस तरह से CO नेगेटिव। और ये जो CH3 था ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, इसने इस कार्बन पे अटैक किया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये CH3 पहले से था, और ये MgVr आके इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में बोल रहा है हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में बोल रहा है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो ये H और OH, इसको ऐसे यहां से ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे एक तरह से 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस एल्कोहल की डिग्री देखी जाए तो 3 डिग्री प्लस यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज MgCrOH, ये क्या बन रहा है यहाँ पे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज आंसर नंबर C। थैंक यू।